स्ट्रेट लाइन की क्लास थ्री में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में स्ट्रेट लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखनी जरूरी है उसको पढ़ने से पहले ओके okay, तो वन बाय वन जो है हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं फाइव मेन प्रॉपर्टीज को सबसे पहले देखिए क्या है अ स्ट्रेट लाइन हैज़ इनफाइनाइट लेंथ मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है उसकी जो लेंथ है वो आप नहीं नाप सकते है ना क्योंकि लाइन जो है वो दोनों साइड से एक्सटेंड होती है तो आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि आप उसकी लेंथ को नाप पाओ कि वो कितनी उसकी लेंथ है उसके बाद में वी कैन नेवर कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ अ लाइन देखो एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या होता है जो लास्ट वाले पॉइंट रहते हैं देखिए अगर मैंने इस लाइन में कोई भी दो पॉइंट लिए ए और बी तो इनके बीच की तो डिस्टेंस में जान पाऊंगा ठीक है मैंने स्केल से मेजर कर ली लेकिन अगर मैं बोलूं कि लाइन के जो आखिरी छोर हैं दोनों मतलब आखिरी जो एंड पॉइंट हैं तो क्योंकि एंड पॉइंट होगा ही नहीं क्योंकि ये लाइन जो है वो तो इनफाइनाइटली बढ़ती जा रही है राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी इसलिए उन हम कोई उसके लास्ट के दो पॉइंट जो हैं वो कभी नहीं निकाल सकते है ना हम ना यहाँ का लास्ट पॉइंट निकाल पाएंगे ना इस साइड का लास्ट पॉइंट निकाल पाएंगे तो क्योंकि अगर हम लास्ट पॉइंट ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस भी नहीं निकाल पाएंगे तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि अ स्ट्रेट लाइन हैज़ इनफाइनाइट लेंथ उसकी लेंथ ही नहीं नापी जा सकती वी कैन नेवर कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ अ लाइन मतलब हम जो लास्ट जो पॉइंट्स हैं है ना जो लास्ट के जो छोर बिंदु जिसको हम बोलते हैं या लास्ट के जो एंड पॉइंट्स हैं उनके बीच के हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्यों नहीं निकाल सकते क्योंकि उनके एंड पॉइंट्स होते ही नहीं हैं तो हम डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे उसके बाद में अ स्ट्रेट लाइन हैज़ ज़ीरो एरिया ज़ीरो वॉल्यूम बट इट हैज़ इनफाइनाइट लेंथ देखिए इनफाइनाइट लेंथ तो वही चीज़ें आ गई जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी बताई है इसको ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन का कोई एरिया नहीं होता उसकी कोई वॉल्यूम नहीं होती ये आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे ये यह कहने का है कि जैसे क्लोज्ड फिगर जैसे अगर हम बोलें कि एक आ, अगर एक क्यूबॉयड की अगर हम बात करें है ना अगर एक क्यूबॉइड की बात करें और अगर उसको बोलें कि इसका एरिया क्या होगा इसकी वॉल्यूम क्या होगी वो तो हम निकाल सकते हैं लेकिन लाइन की कभी हम एरिया और वॉल्यूम नहीं निकाल सकते वो एरिया और वॉल्यूम जो है लाइन की वो ज़ीरो होती है कहने का ये मतलब हुआ इसको हिंदी में ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका क्षेत्रफल या फिर उसका आयतन दोनों जो रहता है वो शून्य होता है मतलब जो एरिया और वॉल्यूम रहती है लाइन की वो ज़ीरो होती है ओके उसके बाद में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है तो यहाँ से आप चाहें तो कितने भी लाइंस जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो यहाँ पे अनगिनत लाइंस जो है वो यहाँ से पास करवा सकते हैं इज दैट क्लियर तो ये यह चीज यहाँ पे है उसके बाद नेक्स्ट है ओनली वन यूनिक लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स इसका देखिए ये कहने का मतलब है कि एक पॉइंट से तो अनगिनत लाइंस बन सकती हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं लेकिन अगर आपको कोई भी दो पॉइंट दिए हों ए और बी वहाँ से आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लाइन को पास करा सकते हैं दूसरी लाइन को आप पास नहीं करवा सकते दो पॉइंट के बीच में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो गुज़र सकती है लेकिन एक पॉइंट से होके अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन ओके उसके बाद में लास्ट है स्ट्रेट लाइन इस वन डायमेंशनल फिगर देखिए वन डायमेंशनल फिगर का मतलब ये हुआ देखिए जैसे अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस बनाता हूं तो ये टू डायमेंशनल प्लेन है एक ये डायमेंशन हो गया और एक ये डायमेंशन हो गया है ना एक एक्स एक्सिस हो गई और एक कौन सी हो गई वाई एक्सिस तो इसके दो डायमेंशन है लेकिन अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन जो है वो तो एक ही डायमेंशन में चलती है है ना या तो यहाँ से एक्सटेंड करें या यहाँ से एक्सटेंड करें मतलब यहाँ पे इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन होगा तो स्ट्रेट लाइन का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है एक ही डायमेंशन होता है तो प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने क्या देखा कि स्ट्रेट लाइन की लेंथ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है उसके बाद में उसका जो एरिया और वॉल्यूम होते हैं वो दोनों ज़ीरो होते हैं ओके okay, उसके बाद में एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन दो पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को पास करा सकते हैं उसके बाद में स्ट्रेट लाइन जो होता है वो वन डायमेंशनल फिगर होता है ओके okay, तो यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंसेप्ट जो है अभी तक जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट किया है नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे आपके स्ट्रेट लाइन में जो आपके जो चैप्टर में है यूनिट में स्लोप से जहाँ पे स्टार्ट हुआ है कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है वहाँ से शुरू करेंगे थैंक यू